अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करता हूँ। मेरे साथ हैं मुश्तबा भाई और वकार भाई। हम आए हुए हैं कराची कैंट पर। ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है और रात में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। अंदर दाखिल हो गए और ये इलामा इकबाल और साथ में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पिक्चर भी लगी हुई है। तीन साइड पे और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया है, जिसकी वजह से सिंध में जो है ट्रैक ख़राब हो चुका है। उस वजह से ट्रेन सर्विस जो है मुअत्तल है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इस स्टेशन पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी और सन्नाटा है। यहाँ जो है सफाई का काम चल रहा है और ये एक ट्रेन भी खड़ी हुई है। फिल्टर ब्रांड भी लगा हुआ है सैलानी की तरफ से स्टेशन पे। रेल की पटरी और ये एक नंबर प्लेटफार्म। हसन रेस्टोरेंट कराची कैंट स्टोर। स्टेशन पे जो है सन्नाटा है और ये देख रहे हैं आप, ये कोई न्यूज़ वाले हैं आए हुए रिपोर्टिंग के लिए। और वो एक नंबर प्लेटफार्म, दो नंबर, तीन नंबर, ये ट्रेन खड़ी हुई है और ये ट्रेन खड़ी हुई है। और स्टॉल आप देख सकते हैं सारे बंद पड़े हुए। कुछ लोग मौजूद है स्टेशन पे और सिर्फ दो ट्रेन चल रही है। एक चल रही है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और दूसरी चल रही है मेरान एक्सप्रेस, जो मीरपुर खास हैदराबाद तक जाती है। उसके अलावा सारे जो है ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल करा हुआ है। अब ये कब तक रहेगा, जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता। सामान रखा हुआ है और जब तक ये रखा रहेगा जब तक ट्रेन नहीं चलेगी। वकार भाई क्या बोलते हो आप? ये इनकी वैसे डायमेंशन का हिसाब होता है इसका, कोई अपना वेट के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। पर किलो पता नहीं कितना चार्ज करते हैं। और जो ट्रेन पे जाता है ना, ये सुना है कि जो ट्रेन पे सामान जाता है उस बाकी सर्विसेज से सस्ता पड़ता है। ये इतना तो नहीं पता, हम खुद भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हमारा अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कराची के अंदर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कराची के पाकिस्तान के अंदर ही, पूरे पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, पाकिस्तान के बाहर नहीं करते। तो किसी को अगर सर्विस चाहिए हो तो साथ भाई को बता देना, वो हमें बता देंगे या हम आपको डायरेक्ट नंबर ही प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरी बात ये है, देखो क्या बोले तुम्हें, भूल ही क्या, मैं कभी ट्रेन में ना गया हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अंदर से जो है ना स्टेशन देख रहा हूँ। कैंट स्टेशन, स्टेशन का नाम है, कालापुल से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। और ये आप देख सकते हो इंजन एक स्टार्ट हुआ हुआ है, लेकिन पता नहीं। अच्छा मुझे वो जगह देखनी है साथ भाई, जहाँ वो घूमता है वो इंजन। यहाँ नहीं है वो, कहाँ है? उस पर यार, सिटी पे, सिटी स्टेशन पे। तो यहाँ कैसे इंजन घूमता है? वहाँ से घूम के आता है। तो ये पटलियाँ वहाँ पे गई? ना ना, चलते भाई प्लेटफार्म नंबर दो पे। चलो चलो चलो। Thank you.
बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ वकार भाई, मुश्तबा भाई। अफरान जाए नमाज, ये छोटी सी मस्जिद है स्टेशन पे। तो ये वजू खाना भी बना हुआ है। वकार भाई हम यहाँ मौजूद है, एक ट्रेन आ गई। और ये कौन सी है पता आपको? मेरान एक्सप्रेस, मेरान लोकल ट्रेन। ये एक जा रही है ट्रेन। अब स्टेशन से बाहर आ गए और जो अंदर से मालूमात ली है उसमें बता रहे हैं कि 5 सितंबर तक ट्रेन सर्विस हो सकता है बहाल कर दी जाए, जिस और जो ट्रेन ख़राब हुआ है उसको बहाल कर दिया जाएगा। ट्रेन सर्विस तो है मुअत्तल और बस सर्विस भी कम ही चल रही है, बसेस भी, और इस वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द जो है ट्रेन सर्विस भी बहाल हो जाए, ट्रांसपोर्ट भी चल पड़े, आवाम के लिए आसान। अभी तो यार ट्रेन सर्विस ही बंद है, कब चलना है? जब खुल जाए, सर्विस खुले फिर कोई बनाओ, प्लान बनाओ चलने का। नज़दीक जाएंगे, ज़्यादा दूर नज़दीक? तुम्हें मैंने पहले कितनी दफ़ा बोला, मैं जमपीर भी गया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम चलते ही नहीं। जमपीर तक हैदराबाद तक सेवन जाती है ट्रेन? सेवन सेवन है ये अपना हैदराबाद बलोच के करीब है ना, बलोचिस्तान के करीब है। सेवन नहीं जाएगी यार, पूछ लेंगे वरना यही चले जाएंगे, नानी मंदिर वगैरह चले जाएंगे हैदराबाद के साइड। जमपीर तक चले गए यार, मुझे वहाँ जाना भी है ना। चलो जमपीर चले जाएंगे, जमपीर से आगे चलांगपीर चले जाएंगे। अब हम जा रहे पार्किंग में, बाइक लेके पार्किंग से फिर कहाँ जाएंगे भाई? अच्छा, और मज़े के बाद ये पहले तो पार्किंग जाएंगे, वहाँ जो है ना, फिर उसके बाद जाएंगे नाश्ता करने, मतलब चाय वाय पीने, फिर उसके बाद जाएंगे अपने अपने घर। और मज़े के बाद ये जब हम लोग आ रहे थे, जब गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे, जो पुलिस वाले जो है ना, वो भी यहीं खड़े हुए थे, आए हुए थे शूट करने। तो हमारा भाई अपने एटीट्यूड, 250 सब्सक्राइबर हमारे, हमने कहा लाला खुद आएंगे तो मिल लेंगे और नाम नहीं जाएंगे। अभी भी हो सकता है वहाँ मौजूद हो। अच्छा, और चलते फिरते वाले भी आए थे, मैंने पहली बार देखा तो हाय हेलो हुई। तो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी तरह मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। आज हमें भी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से ही हम और वीडियो बनाएंगे, हम मोटिवेट होंगे। तो मोटिवेट होने का साइन है सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और डीमोटिवेट होने का साइन है कि आप वीडियो देख के छोड़ के चले गए। अरे आ गए भाई पार्किंग में। अब कहाँ चल रहे? चाय के लिए? हाँ चाय के लिए। हाँ भाई मुश्तबा भाई क्या मूड है, चाय का है? कोल्ड ड्रिंक पी लेना, सही है, इसको कुछ भी पिला देंगे हम, चाय और पराठा तो पी ले। पराठा पीते हैं खाते हैं भाई, चाय के साथ पराठा पियेंगे। नहीं पराठे के साथ चाय पियेंगे। हो गए? हाँ चाय पी। तुम कोल्ड ड्रिंक दो चाय ले आओ। चाय के साथ और क्या मिलेगा? चाय के साथ बिरयानी है, खाना है, चाय मांग। एक पराठा ले आओ, दो चाय ले आओ और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक चाय, एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ। एक बोतल सेवन अप होगी। हाँ दो चाय सेवन अप, फिर तीन चाय कर लो। तीन चाय सही है, कट लिया। तीन चाय ले आओ, तीन चाय लाओ, एक पराठा लाओ, बस। तीन चाय बोले आप कर दो, फल एक कांटे एक पराठा, एक पराठा फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। लांची का खास क्या? चाय आ गई भाई। लांची का खास क्या? लांची का, लाची का, लाची का, अच्छा लाच इलाची का, लाची का, ये लाची है ना। अच्छा अच्छा, बड़ी फटाफट चली जाती है। वो समझती है गोल है, वो काट है, ये फूल है। फूल और काट में फर्क तो देखो, एक काट ये कब बड़ा है, वो वाला कब छोटा है।
तो ये पराठा मक्खन का पराठा है, ये तंदूर का मक्खन वाला पराठा है, तंदूर का मक्खन और है। ओ भाई खाओ भाई, मक्खन दिखाई भी नहीं दे रहा। मक्खन मेल्ट हो गया ना अंदर, डला मैंने मक्खन, एंड ही नहीं कर दूँ यार, एंड कर दो खाने के टाइम पे, एंड कर दो। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मुनाफे का ना करे, मालमत करे ढंगे की चोट पर। अपना ख्याल रखिए, अपने तले अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफा करी तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नजर आऊँगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बकार भाई चाय पराठा कैसा है? ओके टाइम बड़ी गलत है, अभी छोड़ो दिमाग से गया। बोलो बोलो मक्खन ऐसा मंड मंड के डाला हुआ है ना। ओके मंड के बाद चिकने हो गए।